सब्सक्राइब करें गीतांजलिस क्लासिक कुजीन को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। गर्मी के मौसम में आती है कच्चे आम की कैरी और हम उससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, तो आज मैं आपको दूंगी कच्चे आम की लौंजी बनाने की रेसिपी, खट्टी मीठी और चटपटी, जो बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है और ये खाने के स्वाद को दोगुना कर देती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 500 ग्राम्स कच्ची कैरी, और ये कैरी छोटी हैं, मतलब इसकी गुठलियाँ अभी टाइट नहीं हुई हैं, इसकी गुठलियाँ अभी भी सॉफ्ट है। साइड्स को कट कर लें और इसे इस तरह से पील कर लें। तो पहले तो इसे अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद साइड्स को कट करके और इसके छिलके को हम हटा देंगे, और इस तरह से हमें कट करना है। तो देखिए ये कितनी आसानी से कट हो जाते हैं, और ये जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे, तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अब इसे बीज से हम कट करेंगे, यानी पीसेस हमें बड़े बड़े रखने हैं, इस तरह से वेजेस में कट करने हैं। तो देखिए इससे बड़े बड़े टुकड़े में हमें कट कर लेना है इस तरह से। तो बड़े टुकड़े में कट करने का रीज़न ये है कि जब हम इसे कुक करेंगे तो ये गलेंगे नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। इसे अब रख देते हैं एक बॉल में और चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। पैन को गर्म करना है और उसमें डालें 2 चम्मच तेल, तेल ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच। तेज पत्ता डालें और सूखी लाल मिर्च जिसके बीज को हमने हटा दिया था, ब्लैक मस्टर्ड सीड डालें, जीरा डालें, 1 चम्मच कलौंजी, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे मेथी के दाने और 1/4 चम्मच हींग। अब इसे मीडियम फ्लेम पे चला लेना है जब तक कि ये स्प्लटर ना होने लगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कच्ची कैरी, फ्लेम को मीडियम ही रखना है और 1 से 2 मिनट तक इसे कुक कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो नमक ज़्यादा ना डालें, हम बाद में काला नमक भी डालने वाले हैं, तो इसे ध्यान से डालें। और अब इसे मिक्स कर लें। एक चीज़ मैं शुरू में ऐड करना भूल गई थी, जो मैं अभी ऐड करूँगी बीच में जगह बना करके, वो है सौंफ। तो 1 चम्मच सौंफ भी ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे शुरू में ही डालें जब सारे मसाले हम डाल रहे थे। अब इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और अब इसमें डालें 1 कप पानी, मिक्स करें इसे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखा भी नहीं होता है। इसे मिक्स करें और कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तक कि आम की कैरी सॉफ्ट ना हो जाए। 2 मिनट तक कुक करने के बाद देखिए पानी थोड़ा सूख गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़, और गुड़ को इस तरह से तोड़कर डालें ताकि इसे पिघलने में आसानी हो, और ये 200 ग्राम्स के करीब गुड़ हैं। इसकी जगह आप गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। मिला लें इसे अच्छे से और अब गुड़ को थोड़ी देर पिघलने के लिए छोड़ दें। साथ ही मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच चीनी। तो गुड़ और चीनी दोनों डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ, पर आप चाहें तो सिर्फ गुड़ में ही बना सकते हैं। मिक्स कर लें इसे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे थोड़ी देर कुक करना है। तो इसे कवर कर दें और फ्लेम को मीडियम रखें।
दो मिनट हो चुके हैं और इसे अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आप गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसे मिक्स कर लें और बस थोड़ी देर और कुक करेंगे, इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। तो बस इतना ही गाढ़ा रखना है। अब फ्लेम को बंद करें, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने पे गुड़ चिपचिपा हो जाता है, तो आपको इसी वक्त बंद करना है। देखिए ग्रेवी भी इस तरह की होनी चाहिए, मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए इस तरह का जब कंसिस्टेंसी हो तो इसे आप बंद कर दें। तो बस तैयार है आम की लौंजी सर्व करने के लिए। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के और 15 से 20 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलिज़ क्लासिक कुजीन को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की कच्चे आम की कैरी की मैंने और भी बहुत सारी डिशेस बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।